शिखा, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ। आज हम राजमा बनाएंगे। राजमा बनाने के लिए सबसे पहले एक कप राजमा लेंगे, जिन्हें हमने पहले ही पानी में 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। देखिए, कुछ इस तरीके से फूल जाएंगे। हमने इसे ऑलरेडी पानी से साफ कर लिया है। अब इन्हें कुकर में डाल लेंगे। इसके लिए कुकर लेंगे और उसमें सारे राजमा डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ध्यान रहे, पानी की क्वांटिटी राजमा से ज्यादा होनी चाहिए, जिससे सारे राजमा पानी में अच्छे से डूब जाए। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालकर कुकर को बंद कर देंगे। ऑन करेंगे और तेज आंच पर 1 सीटी आने के बाद गैस धीमी कर देंगे और फिर 5 से 6 सीटी आने तक का इंतजार करेंगे। कुकर में सीटी आ चुकी है, अब गैस बंद कर देंगे और कुकर को साइड से रख देंगे। अब टोमेटो प्यूरी बनाएंगे। इसके लिए एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें 3 कटे हुए टमाटर, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा और 1 बड़ा चम्मच काजू डालेंगे। और सभी को पीस लेंगे। अब राजमा बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें तेल डालेंगे। अब इसमें 1 तेज पत्ता, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, 1.5 चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें टमाटो प्यूरी डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। ध्यान रहे, हम नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हम राजमा में ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं। अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब टमाटर को अच्छे से पकने देंगे। हमने जो टमाटो प्यूरी बनाई थी उसमें काजू ऑप्शनल है। हमने काजू इसलिए डाले थे जिससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बने।
देखिए टमाटर से तेल अलग होने लगा है, इसका मतलब टमाटर पक चुके हैं। अब इसमें आधा बड़ा चम्मच राजमा मसाला, और एक चम्मच अमचूर पाउडर डालकर मिला लेंगे। अब हम राजमा को देख लेते हैं। अब इसको चेक कर लेंगे कि अच्छे से पका है या नहीं। देखिए राजमा आसानी से टूट गया है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अगर राजमा नहीं टूटता तो इसे दोबारा से गैस पर चढ़ा देते और पकने देते। अब राजमा को कढ़ाई में डाल देंगे। और थोड़ा मैश कर लेंगे। ज्यादा मैश भी नहीं करेंगे कि एकदम पतला हो जाए, हल्का ही मैश करेंगे। इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे। देखिए उबलने के बाद ये ज्यादा गाढ़ा हो गया है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से उबलने देंगे। ये अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। राजमा बन गए हैं, अब गैस बंद कर देंगे। अगर सर्व करते टाइम ये ज्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर मिला सकते हैं और फिर इसे सर्व कर सकते हैं। राजमा बनकर तैयार है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे चावल, नान या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।